हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर रहा हूं। 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपके पास एपीज हैं कुछ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये क्या है, एपीज है, क्लियर, और इनका सम निकालना है। कैसे निकालना है, अप टू 10 टर्म्स, मतलब कि 10 टर्म का सम निकालना है इसमें। सेकंड एपी में जो है 12 टर्म्स का सम निकालना है, थर्ड एपी में 100 टर्म्स का सम निकालना है, एंड फोर्थ एपी में 11 टर्म्स का सम निकालना है, क्लियर है। तो आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, एपीज गिवन है, मतलब फर्स्ट टर्म आप निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, और कितनी टर्म्स का सम निकालना है, मतलब n, क्या n गिवन है। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास जितनी टर्म्स का सम निकलना है, मतलब कि n की वैल्यू गिवन हो, फर्स्ट टर्म गिवन हो एंड कॉमन डिफरेंस गिवन हो, क्लियर है। अगर ap गिवन है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है एक फॉर्मूला, एक होता है n अपॉन 2 a प्लस l, मतलब कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो और कितने टर्म का सम निकालना है वो गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कौन सा अप्लाई करेंगे आप, इन क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चन में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि आपको ए पी गिवन है तो ए डी मिल जाएगा और आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म, जितने टर्म्स का सम निकालना है वो आपके पास गिवन है, क्लियर है। लास्ट टर्म गिवन है तो आप वाला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहां पे अपन लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वीडियो को रोकिए और इसको नोट कर लीजिए, फॉर्मूले दोनों माइंड में फिट भी करना है, क्लियर है, हमेशा याद रहना चाहिए। ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है अगर आपको फॉर्मूले याद है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी फॉर्मूले में, चाहे सम ऑफ एन टर्म्स हो या फिर एंथ टर्म, क्लियर है। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो एपी दी गई है, क्या दी गई है, 2, 7, 12 एंड सो ऑन, ये आपकी एपी दी गई। इस एपी में आपको सम निकालना है कहां तक, अप टू 10 टर्म्स, मतलब a इज इक्वल टू यहां पे 2 हो गया, d की वैल्यू निकालनी है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दें, क्योंकि एपी गिवन है तो आप चाहे सेकंड में फर्स्ट कीजिए, थर्ड में सेकंड कीजिए, किसी में भी, मतलब कि नेक्स्ट टर्म में से जस्ट बिफोर वाली टर्म आप माइनस कर, जस्ट पहले वाली टर्म आप माइनस कर देंगे तो डी निकल आएगा, तो 7 - 2 यानी कि 5 आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। n कितनी टर्म का सम निकालना है, 10, तो sn का फॉर्मूला पता है तो n की प्लेस पर 10 रखेंगे तो s 10 इज इक्वल टू n अपॉन 2, मतलब 10 अपॉन 2 इज इंटू 2a, तो 2 इंटू a का मतलब 2 प्लस n माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1 इंटू d का मतलब कितना है 5, तो देखिए बेटा 2 बन जा 2 5 जा, तो यहां क्या आया 5 अपॉन 1, 1 को लिखेंगे नहीं, क्लियर है, तो 5 आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 1 है तो उसको नहीं लिखा जाता, क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा। फिर 2 2 जा 4, 10 माइनस 1 9 इंटू 5, क्लियर, तो 5 इंटू 4 प्लस 9 5 जा 45, तो 5 इंटू ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, 4 प्लस 45 कितना हो जाएगा बेटा 49, अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 जा 45, 4 कैरी 5 हो जाए 20, 20 एंड 4 24, तो ये 245 सम ऑफ 10 टर्म्स इस वाली एपी में आया, क्लियर है। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, हो गया नोट बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, एपी क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस का 29 एंड सो ऑन,
क्लियर है। तो यहां पे ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 30। फर्स्ट टर्म जो होती है ये होती है फर्स्ट टर्म को अपन लोग ए बोलते हैं, क्लियर है। तो ये माइनस 37 डी, सेकंड में फर्स्ट माइनस करेंगे, यहां गलती कर देते हैं, देखिए माइनस का खासा ध्यान रखना, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म नेगेटिव है इसलिए अपन लोग ब्रैकेट लगा देंगे। तो माइनस 33 माइनस टू माइनस प्लस 37, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 37 माइनस 33 कितना जाएगा 4, और प्लस का साइन बड़ा है यानी कि प्लस ही प्लस का 4 आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब एन कितना टर्म का सम निकालना है आपको, 12 टर्म्स, तो एन की वैल्यू 12 यानी कि एस 12 इज इक्वल टू एन की प्लेस पे 12, यहां पे क्या जाएगा 12 अपॉन 2, क्लियर। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, 2a a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 37 प्लस n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 d कितना है 4, 2 से कैसे 2 बन जाए, एंड 2 6 जाए तो 6 आएगा, यहां पे 2 इंटू 37 2 जा कितना होगा, आई थिंक 74, यस 74 और माइनस का प्लस 12 माइनस 1 11, 11 4 जा 44, क्लियर है, क्या आएगा 44। तो माइनस 74 प्लस 44 यानी कि क्या बचेगा, माइनस का 30, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट साइन आपका जो बड़ा है वो साइन लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0 6 3 18, तो माइनस का 180 आपका सम ऑफ 12 टर्म्स आया, यहाँ पे कितना आया माइनस का 180, क्लियर है। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हो गया नोट बेटा, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है एपी क्या है आपकी, एपी है बेटा 0.6, फिर 1.7, फिर 2.8 एंड सो ऑन, क्लियर है। तो यहां बेटा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 0.6, ए की वैल्यू 0.6, डी निकालना है तो 1.7 माइनस के 0.6 यानी कि कितना बचेगा, 7 में 6 गया 1 एंड 1 में से 0 गया 1, तो 1.1 आपकी कहानी आई, क्या आएगी 1.1। कितनी टर्म्स का सब निकालना है, अब 200 टर्म्स, मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई आपकी 100, तो यहां पे देखिए बेटा एस एन की प्लेस पे 100, तो जहां जहां एन वहां 100, तो यहां क्या हो जाएगा 100 अपॉन 2 इंटू 2a, a की वैल्यू क्या है 0.6 प्लस n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1, d कितना है, d आपका है बेटा 1.1, कितना है 1.1, 100 अपॉन 2 2 बन जाए 250 टाइम्स, तो 50 आ गया यहां पे, 2 इंटू 0.6 26 जाए 12, 1 डिजिट बाय पॉइंट 99 इंटू 1.1, क्लियर है। तो यहां पे 50 1.2 प्लस 11 9 जा 99, 9 कैरी 11 9 जा 99 एंड 9 कितना हो गया आएगा 108, क्लियर है, और एक डिजिट बाद पॉइंट। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 50 इंटू 2 9 11, 1 कैरी 1 एंड 8 कितना हो जाएगा 9 एंड 1 कितना हो जाएगा 9 एंड 1 10, 1 कैरी तो 1 यहां पे जाएगा एंड 1, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया 1 डिजिट पॉइंट यहां पे, तो 110.1। अब देखिए 50 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो आएगा, 5 बन जा 5 0 5 एंड 5, एक डिजिट पॉइंट लगा देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 5 5 0 5, तो सम ऑफ 100 टर्म्स क्या आ गया 5 5 0 5, क्लियर है। एक फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपके आंसर आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, क्लियर। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4th यहां पर बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4th देखिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4th में जो एपी है आपकी, 4th क्वेश्चन में एपी क्या है, 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन, क्लियर। तो यहां पे फर्स्ट टर्म, ये आगे वाली टर्म फर्स्ट टर्म 1/15, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 1/12 माइनस 1/15 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखिए बेटा 12 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 180 आएगा, क्लियर है। मतलब 12 में 15 का
या एलसीएम नहीं ले रहे हैं, डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट कर देते हैं 12 में 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है, तो 180 हो जाएगा। फिर 15 बन जाए 15 माइनस 12 बन जाए 12, कितना आएगा 3 अपॉन 180, मतलब कि 3 बन जाओ 360 जा, तो 1/60। चाहे आप एलसीएम ले कीजिए, चाहे आप ऐसे कर लिया कीजिए, 15 इंटू 12 यहाँ कर दिया क्योंकि बहुत छोटी क्लास में फॉलो करते थे, फिर 15 का इधर 12 का इधर, ये कहानी आपकी 1/60 आप क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, क्लियर है। कितनी टर्म्स हम निकालना है आपको, 11, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो वीडियो को रोकिए, इसको नोट कर लीजिए बेटा, सेकंड थर्ड क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ। हाँ बेटा, अब फॉर्मूले में रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए बेटा, s n की वैल्यू कितनी है 11, तो मैं यहाँ पे 11, तो 11 अपॉन 2, 2a, a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 15, मतलब 1 अपॉन 15 प्लस n माइनस 1 यानी 11 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी आई थी 1 अपॉन 60, तो 1 अपॉन 60 इसको कहें, अभी तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो 11 बाई 2 लिख दिया, 2 अपॉन 15 न्यूमिनेटर में ही मल्टीप्लाई होगा, कुछ बच्चे डिनोमिनेटर में कर देते, नहीं, रूल क्या है, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में ही होगा, क्लियर है। अगर ये भी आपका फ्रैक्शन होगा तो न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में। फिर यहाँ पे था 10, तो 10 बन जाए 10, मतलब 10 अपॉन 60, क्लियर है। अब देखिए बेटा 11 अपॉन 2, यहाँ पे आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 15 60 का एलसीएम 60 ही आएगा, या फिर जो मैंने तरीका यहाँ बताया था वो आप अप्लाई कर लीजिए, आपको डिपेंड करता है। 15 4 जा 4 इंटू 2 8, 60 बन जाए 60, यहाँ पर 10, यानी कि 11 अपॉन 2 इंटू 8 प्लस 10 यानी कि 18 अपॉन 60, क्लियर है। अब देखिए बेटा यहाँ पे 2 बन जा 2 9 जा 3 से काटेंगे 3 2 जा और 3 3 जा, मतलब 33, 11 3 33 अपॉन 20, अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये आपका सम ऑफ 11 टर्म्स आ गया। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आप वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, क्लियर। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आने मिलते रहे आसानी से, और आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहे, क्लियर है। और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी मेरे चैनल के बारे में बताइए। मेरा नाम है विनय द्विवेदी, मैथमेटिक्स बाय मिस्टर विनय द्विवेदी, द्रोणा इंस्टीट्यूट, ये मेरे चैनल का नाम है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू बेटा, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए।